लालची गवैया। राकेश एक गवैया था जो रामायण और महाभारत की कथाएं गा गा कर सुनाया करता था, और इसी कारण उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। घर में पैसों की तंगी थी। इससे अच्छा तो मैं उस पास के हलवाई से शादी कर लेती, कम से कम पेट भर खाने को तो मिलता। अब इसमें मैं क्या करूं कि कोई मुझे काम नहीं देता, रोज यहाँ वहाँ धक्के खा तो रहा हूँ ना। तुम्हारे धक्के खाने से क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं ना। रीमा अक्सर राकेश को अच्छे पैसे ना कमाने के लिए सुनाया करती थी। एक दिन राकेश एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलने उसके ऑफिस गया था। वहीं उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त रमेश से हुई। अरे राकेश, तू यहाँ? कितने साल हो गए तुझसे मिले हुए, कैसा है तू भाई? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता कैसा है? मैं तो एकदम मस्त, पापा का बिजनेस चल रहा है। सही है यार तेरा, पापा का बिजनेस है, तुझे किस बात की चिंता? रमेश ने राकेश को ऊपर से नीचे तक देखा और वो समझ गया कि राकेश की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। ये सब छोड़, तू बता आजकल क्या करता है? क्या कर सकता हूँ, गवैया हूँ, काम ढूंढते रहता हूँ। मुझे याद है तू बचपन में क्या गाता था भाई, मैं तो तेरी आवाज में गुम हो जाता था मेरे दोस्त। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ। पर कहाँ? चल तो। रमेश राकेश को अपने साथ एक बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास लेकर गया। हेलो नवीन जी। अरे रमेश जी, आप यहाँ? अरे मुझे बोल देते, मैं खुद आपके पास आ जाता। नहीं नवीन जी, काम मेरा है तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। आप भी ना। अच्छा नवीन जी, ये राकेश है मेरा दोस्त, इसकी आवाज सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। आपने कहा था ना आपको न्यू शोज के लिए गवैये की जरूरत है, शायद आपकी खोज पूरी हो गई अब। राकेश जी, क्या आप कुछ गाकर सुना सकते हैं? जी जी। रमेश और नवीन दोनों राकेश की मधुर आवाज में डूब गए। वाह क्या आवाज है भाई, मुझे ऐसे ही आवाज की जरूरत थी। जी शुक्रिया सर। तो नवीन जी, क्या मैं इनके शोज पक्के समझूं? हाँ हाँ जरूर। नवीन ने राकेश और रमेश से हाथ मिलाया और वो दोनों उस ऑफिस से बाहर निकल आए। बाहर निकल कर राकेश ने रमेश को गले लगा लिया। दोस्त, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान कैसा, तू खुश है यही बहुत है भाई। उस दिन के बाद राकेश के पास काम ही काम था, वो एक के बाद एक शोज किए जा रहा था, उसका पूरा परिवार खुश था। जल्द ही उनकी आर्थिक स्थिति बदल चुकी थी, अब राकेश का अपना बंगला था, गाड़ी थी। राकेश के शोज को दर्शक बहुत पसंद करने लगे थे, इसलिए अब से हर रामायण महाभारत की कथा गाने के लिए राकेश को ही बुलाया जाता था। शायद यही बात राकेश के दिमाग में घर कर गई, उसे अपने काम के लिए और पैसे चाहिए थे। अब तो जब तक मैं स्टेज पर नहीं जाता ना, पब्लिक शांति नहीं होती, मुझे और पैसों की डिमांड करनी चाहिए। हाँ हाँ, आप इतने मशहूर जो हो, और साथ ही आपको अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहिए। कैसे? अगर आपको और पैसे और शोहरत कमानी है तो लोगों को आपका इंतजार करना चाहिए। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह आखिर में आते हैं ताकि ऑडियंस उनका इंतजार करे, तभी तो वो स्टार कहलाते हैं। हाँ, अब मैं यही करूँगा। अगले दिन से राकेश शो के टाइमिंग से लेट पहुँचने लगा। आप कहाँ रह गए थे राकेश जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना। अच्छा ठीक है, जाइए परफॉर्म कीजिए। नवीन समझ गया था कि राकेश का बर्ताव बदल चुका था, अब वो पहले वाला गरीब राकेश नहीं था। इस राकेश के दिमाग में शोहरत चढ़ रही थी। बहरहाल राकेश ने शो किया और हमेशा की तरह ऑडियंस खुश थी। शो के बाद राकेश ने नवीन से बात की। देखिए, आपको मेरे पैसे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, मैं आपके शो का स्टार हूँ। राकेश जी, आप तो जानते ही हैं कि हमें बचता कितना है। नवीन ने पहले ही राकेश के साथ 100 शोज का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था एक ही रेट पर, इसलिए अगले कई शोज में राकेश समय से लेट आने लगा। राकेश के इस बर्ताव से नवीन ऊब चुका था, उसने सोचा कि राकेश से डायरेक्ट बात करे। राकेश जी, आजकल आप किसी भी शो पर समय पर नहीं आते। अरे थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए तो इसमें गलत क्या है? पर राकेश जी, आपकी वजह से ऑर्गेनाइजर को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। वो उनका प्रॉब्लम है, आप मेरे दाम भी कहाँ बढ़ा रहे हैं।
मेरा भी तो नुकसान हो रहा है। नवीन समझ गया कि आगे बात करना बेकार है, वो वहाँ से चला गया। नवीन रमेश जी के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। सोचा नहीं था कि राकेश ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, मैं उसे समझाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है रमेश जी। इसके बाद रमेश जी राकेश के पास गए। नवीन जी आए थे मेरे पास। क्यों, मेरी शिकायत करने? नहीं, पर दोस्त ऐसे काम में आनाकानी करना और समय पे काम पे ना पहुंचना, ये सब तुम्हें सही लगता है क्या? मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। वैसे भी तुमने मेरी हेल्प क्या कर दी, सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा? राकेश ये सही नहीं है, तुम्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। मेरा मैं देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। रमेश राकेश की भलाई चाहता था, पर राकेश के सर पर तो खुमारी चढ़ गई थी, मशहूर होने की, पैसों की। पर ये खुमारी कब तक टिकती? धीरे धीरे नवीन और दूसरे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने राकेश को काम देना कम कर दिया। काफी दिनों से राकेश घर पर बैठा था, उसके पास एक भी शो नहीं था। पता नहीं काम को क्या हो गया, सोच रहा हूँ जाकर नवीन से माफी मांग लूं। कम से कम पैसे तो आ रहे थे। बिल्कुल नहीं, तुम स्टार हो, वो लोग आएंगे तुम्हारे पास नाक रगड़ते, तुम देखना, और मुंह मांगे दाम देंगे। हाँ। रीमा ने एक बार फिर राकेश के दिमाग में स्टारडम का भूत घुसा दिया। महीने बीत गए, अब धीरे धीरे राकेश के बैंक अकाउंट में पैसे कम होने लगे। जब रीमा और राकेश ने अपना बैंक बैलेंस देखा तो वो घबरा गए। मुझे लगता है अब मुझे काम ढूंढना चाहिए। तो अब तक क्यों इंतजार कर रहे हो, जाओ काम ढूंढो, पैसों के बिना कैसे जिएंगे? लेकिन तुमने ही तो मना किया था ना। लेकिन अब मैं ही तुम्हें बोल रही हूँ, जाओ काम खोजो। अब जब राकेश नवीन के ऑफिस में गया तो नवीन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। निराश राकेश रमेश के पास गया। तूने बहुत देर कर दी मेरे दोस्त, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर राकेश की आंखें भर आईं। एक समय था जब उसके पास कम पैसे, शोहरत, सब कुछ था, पर उसने अपने अहंकार और लालच में सब कुछ गवा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने सच्चे दोस्त रमेश को भी धोखा दिया, और इन सब का कारण था कि उसने अपनी पत्नी की गलत सलाह मानी। इसीलिए कहते हैं लालच और अहंकार इंसान को डुबा देता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।